यूपी के हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर कत्ल का इल्जाम है और शिकायत करने पर दबंगों ने कत्ल किया है। तमाम इल्जाम मुतासरा ने लगाए। खेत में लड़की के वालिद पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं। मुलजिम ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में कलीदी मुलजिम समेत 6 से 7 मुलजिम अब भी फरार। बड़ा अपडेट आपको यूपी के हाथरस से बता रहे। छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के हाथरस में एक मुतासरा की छेड़छाड़ की शिकायत करने पर उसके वालिद के कत्ल का इल्जाम है और इस मामले में अब एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि मुतासरा के मुताबिक खेत में लड़की के वालिद पर मुतासरा के वालिद पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं जिससे उसके वालिद की मौत हो गई। इस मामले में मुलजिम ललित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग थे पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गांव आए घूमने के लिए। छह सात लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कुछ मतलब नहीं किसी से, मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम किसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। तो हाथरस छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। एक मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मुतासरा का क्या कहना है इस पूरे मामले में आपने सुना अभी। उसके वालिद को छेड़छाड़ की मुखालफत के बाद केस दर्ज कराना महंगा पड़ा और अपनी जान गंवा दी। इस बीच आप बता दें कि सीएम योगी ने हाथरस के वाकई पर नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वाकई में शामिल मुजरिमीन के खिलाफ रासुका लगाने की हिदायत दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बड़ा अपडेट आपको यूपी से बता रहे हैं। मुतासरा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है कई लोगों पर। हालांकि कलीद मुलजिम फरार है लेकिन एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ की मुखालफत करने पर मुतासरा के वालिद को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया मुजरिमीन ने। और इस मौके पर बड़ा अपडेट यह है कि सीएम योगी ने इस वाकये पर बड़ा नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि वाकये में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ, तमाम मुजरिमीन के खिलाफ रासुका लगाया जाए।